हे गाइस, वेलकम टू अभिनी ऑटो ब्लॉग्स। मेरा नाम है अभिषेक एंड टुडे आई हैव अ गुड अपडेट रिगार्डिंग दी ऑल न्यू 2022 किया स्पोर्टेज, जो कि डेब्यू हो गई है अपने न्यू इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ। ये होने वाली है फिफ्थ जनरेशन किया स्पोर्टेज, जो कि सेल की जाएगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्रॉम सेप्टेम्बर। बट स्टिल अभी तक इंडिया लॉन्च के कोई भी साइन सामने नहीं आए हैं कि इंडिया के अंदर ये कब लॉन्च की जाएगी। गाइज, मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ, हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है www.abhiniautovlogs.com। आप वेबसाइट पर जाकर काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें सर्च कर सकते हैं, यूज कार्स, न्यू कार्स, न्यूज़, और साथ ही हमारी वीडियो डिज़ाइन एलिमेंट की। तो जो इसका डिज़ाइन है वो कोलैबोरेशन एफर्ट किए गए हैं बिटवीन किया रिसर्च सेंटर, जो कि कोरिया, जर्मनी, चाइना और USA के अंदर हैं। वहीं ये बेस्ड है अपने सेम N3 प्लेटफॉर्म के अंदर, जो कि दिया गया है किया K5 और हिंडे टुक्सॉन SUV के अंदर। बट वहीं अगर हम इसके एक्सटीरियर स्टाइलिंग की बात करें तो इसका जो फ्रंट एंड अगर आप देखेंगे तो पूरी की तरह रीडिज़ाइंड है। बट वहीं जो आप इसका फ्रंट देखेंगे, इसकी टाइगर नोज ग्रिल, वो एग्जैक्टली सेम है, उसके अंदर माइनर ट्वीट्स किए गए हैं। न्यू शेप के इसके अंदर बूमरैंग LED DRLs मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, और साथ ही जो LED हेडलाइट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। एक स्ट्राइकिंग लुक यहाँ पर ज़रूर सामने आ रही है। जो फॉग लाइट्स हैं वो लोअर प्लेस की गई हैं दोनों ही साइड्स। अगर आप इसके साइड प्रोफाइल्स देखते हैं तो कार काफ़ी ज़्यादा मैसिव लगती है। वहीं जो एक सबसे बड़ा अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा वो इसके ORVMs हैं, उनको फ्रंट डोर्स पर ही प्लेस ऑन किया गया, जो कि एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पर देखने के लिए ज़रूर मिलता है, और इसकी स्टाइलिंग को एक अप टू दी मार्क रेटिंग ज़रूर दे दी जाए। वहीं अगर आप इसकी रूफ़ देखते हैं तो वो स्लोपिंग रूफ लाइन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सी पिलर से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लोपिंग रूफ लाइन यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही इस बार किया स्पोर्टेज के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ देखी गई है क्रोम बेल्ट लाइन के साथ, जो कि पहली बार इसके अंदर दी गई है। वहीं अभी भी ये जो SUV क्रॉसओवर स्टैंप्स यहाँ पर ज़रूर दे देती है, पहले से और भी ज़्यादा यहाँ पर ये स्पोर्टियर लुक ज़रूर दे रही है इन इमेजेस को देखने के बाद। वहीं अगर आप इसका रियर एंड देखते हैं तो पेयर ऑफ सी शेप्ड LED टेल लाइट्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। इन्हीं के अंदर इन्वर्टेड LED DRLs दी गई हैं और रीडिज़ाइंड फॉक्स गेट प्लेट भी अवेलेबल है। साथ ही अगर आप इसका रियर एंड देखते हैं तो यहाँ पर जो स्पॉइलर है वो गिवन है, और साथ ही इसके अंदर कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट का वर्क किया गया, जो कि कार को एक और भी ज़्यादा स्पोर्टियर लुक दे देता है। वहीं अगर बात करें इसके इंटीरियर डिटेल्स की तो न्यू जनरेशन स्पोर्टेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ इंटीरियर को रीडिज़ाइन किया जाएगा और इसको एक न्यू जनरेशन के तौर पर न्यू फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके अंदर अब मिलने वाली है लार्ज कर्व डिस्प्ले, जो कि होगी इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के दोनों ही साइड दिए जाएंगे AC वेंट्स, जिनके सराउंड्स में होंगे ग्लॉसी ब्लैक बेजल्स, जो कार को एक स्पोर्टियर लुक देंगे। जो ब्लैक ट्रीटमेंट है वो इसके सेंटर कंसोल में काफ़ी जगह देखा जाएगा। डुअल टोन इंटीरियर थीम इसके अंदर अवेलेबल होगी ब्लैक एंड बेज कलर कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि कार को एक प्रीमियम अपील ज़रूर देगी। साथ ही इसके कैबिन के अंदर होगा सॉफ्ट टच मटेरियल डैशबोर्ड पर और साइड डोर पैनल्स के ऊपर। जो न्यू स्पोर्टेज है ये एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च की जाएगी यूरोप के अंदर सितंबर में, बट अभी तक इंडिया के कोई भी जो सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी लीक नहीं सामने आया कि इंडिया के अंदर इसको कब लॉन्च किया जाएगा। साथ ही ये भी न्यूज़ सामने आ रही है कि किया वर्क कर रहा है मोर प्रीमियम X-Line वेरिएंट ऑफ दिस SUV, जो फीचर की जाएगी रग्ड अपील और एग्रेसिव बम्पर्स के साथ। साथ ही इसके आउटलुक में और भी चेंजेस किए जाएंगे। सो गाइस, ये था मेरे तरफ से एक न्यू अपडेट रिगार्डिंग दी ऑल न्यू किया स्पोर्टेज 2022, जो कि अभी सेप्टेम्बर में दिस ईयर यूरोप के अंदर लॉन्च होगी। इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगी वो आगे डिटेल्स जैसे सामने आएगी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।